इस्पात नगरी के वासियों को प्रदेश के मुखिया ने सौगातों की बरसात की। मंगलवार को सुबह से ही निगम के कार्यक्रमों में शिरकत कर लगभग 263 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस सभी कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा आत्मविभोर वो शहीद पार्क में हुए, जब शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया उन्हीं के मुखारविंद से। सुबह से शाम तक कार्यक्रमों में व्यस्त रहा, थकान सी लग रही थी, लेकिन जब शहीद पार्क में आया और छत्तीसगढ़ महतारी के साथ साथ शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद भगत सिंह को देखा तो सारी थकान मिट गई। देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद भगत सिंह जी का जितना विशाल दिल था, उससे भी बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इस कार्यक्रमों और भिड़ाई में विभिन्न कार्यक्रमों, कभी हेलीकॉप्टर में, कभी सड़क मार्ग से, कभी पैदल चलते हुए सही पार्क के कार्यक्रम में जब हम लोग आए तो काफी खर्च हुए। वो भी मोबाइल जैसे ही यहाँ आए और शहीदों के आज़ादी की लड़ाई के प्रोग्रामों के चित्र और उनके नाम पट्टिका देखते हुए जब यहाँ आए और जितना विशाल व्यक्तित्व अमर शहीद भगत सिंह का रहा है, वैसे विशाल मूर्ति शहीद भगत सिंह जैसे बलिदानी देशभक्तों की बदौलत ही हम आज आजादी का सूरज देख रहे हैं। और यहाँ के महापौर ने किया भगत सिंह जी की मूर्ति की स्थापना करके, वही जितने भी चित्र चले उनको देखते हुए ये चीज भी आपको पता चली कि किन किन का इस देश में आजादी दिलाने में योगदान था। और हमने और दूसरी विचारधारा जो हमसे विपरीत की विचारधारा है उनमें और हमें यही फर्क है कि हम उन्हें याद करते हैं, हम उनकी मूर्तियों की स्थापना करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए जान दी। शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए महापौर देवेंद्र यादव भावुक हो गए। ऐसी जगह दी, ऐसा स्थान दिया और इतनी स्वीकृति दी कि देश की सबसे बड़ी अगर भगत सिंह की प्रतिमा कहीं बने तो वो भिलाई में बन रही है, वो आपके मार्गदर्शन में बन रही है। अगर हम अपने शहीदों को याद करने जा रहे हैं तो भिलाई में हॉल ऑफ ऑनर की परिकल्पना पूरी हो रही है। मैं दिल से, पूरे दिल से, अंतरात्मा से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हम युवाओं के लिए, मेरे लिए बहुत इमोशनल समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कलमों से शहीद आजम भगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे भिलाई और हम सब पूरे देश के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा आज कार्य हुआ है। मैं छोटे भाई देवेंद्र को, विधायक जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे मित्र भाई नीरज पाल जी को भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस पूरी टीम को भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। का लोकार्पण हुआ माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, जिसमें कैबिनेट, राज्य शासन के कैबिनेट के मंत्री भी उपस्थित थे, भिलाई के विधायक भी उपस्थित थे, ग्रुप विधायक भी उपस्थित थे, ग्रुप महापौर भी उपस्थित थे। सबकी उपस्थिति में आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये भिलाई वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। पार्क बहुत सारे बनते हैं लेकिन ये इसकी जो थीम है वो एक कोर्स को लेके है, जिसमें देश की सबसे बड़ी मूर्ति भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी की स्थापित की गई है। शहीद पार्क के लोकार्पण पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव धर्मेंद्र यादव और निगम के लोक निर्माण एवं राजस्व प्रभारी नीरज पाल ने भी अपने विचार ग्रैंड न्यूज के साथ शेयर किए।